चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। राजधानी से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दी कि नकुलनाथ ने कलेक्टर से शिकायत की है। दिल्ली में चुनाव आयोग से ये शिकायत की गई, कलेक्टर पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। तो मतगणना से पहले अब एक बार फिर जहां आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। नकुलनाथ ने कलेक्टर की शिकायत की है, दिल्ली में चुनाव आयोग से कलेक्टर की शिकायत की गई है। दरअसल नकुलनाथ का ये कहना है कि कलेक्टर बीजेपी की मदद करते हैं, और अब ऐसे में मतगणना चूंकि नजदीक है, 4 जून की तारीख नजदीक है, 4 जून को मतगणना होनी है, लेकिन मतगणना से पहले कांग्रेस ने ये बड़ा इल्जाम, बड़ा आरोप लगाया कलेक्टर के ऊपर, बीजेपी की मदद करने का ये आरोप लगाया, जिसको लेकर एक शिकायत पत्र भी भेजा है। दिल्ली में चुनाव आयोग से ये शिकायत की गई, पत्र लिखकर शिकायत की गई है कलेक्टर की। उन्होंने शिकायत की है, उन्होंने कहा है कि कलेक्टर बीजेपी की मदद करता है। तो ये आरोप, ये संगीन आरोप जहां नकुलनाथ ने एक बार फिर न सिर्फ पार्टी पर लगाए बल्कि प्रशासनिक अधिकारी पर भी आरोप लगाए गए हैं। कलेक्टर पर ही आरोप लगाते हुए उन्होंने शिकायत की है कलेक्टर की, दिल्ली चुनाव आयोग से पत्र लिखकर कलेक्टर की शिकायत की, और ये कहा है कि कलेक्टर बीजेपी की मदद करता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है, मतगणना नजदीक है, और ऐसे में मतगणना से पहले ही नकुलनाथ ने एक बड़ा आरोप लगाया प्रशासनिक अधिकारी पर बीजेपी की मदद करने का। बिल्कुल नैन्सी, देखिए छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं नकुलनाथ, इन्होंने और निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, छिंदवाड़ा कलेक्टर जो है शीलेन सिंह उनकी शिकायत की है। उन्होंने पत्र में निर्वाचन आयोग को अपने पत्र में लिखा कि छिंदवाड़ा कलेक्टर की शिकायत की है, और साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर की जो कार्य प्रणाली है उसकी ओर आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, और वह पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को आपका समर्थन करने के लिए मुखर रहते हैं। इनके कार्यों से साबित होता है कि चुनाव संचालन में निष्पक्ष नहीं है। इन परिस्थितियों में मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर गौर किया जाए, ताकि 4 जून 2024 की वोटों की गिनती निष्पक्ष और सही तरीके से हो जाए। मैं भी आपको बताऊं तो पिछले दिनों ही छिंदवाड़ा के स्ट्रॉन्ग रूम में आकाशीय बिजली की घटना के बाद जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उसकी स्क्रीन बंद हो गई थी। इसके बाद सांसद नकुल राम ने कलेक्टर को पत्र लिखकर भी स्ट्रॉन्ग रूम के फुटेज को उपलब्ध कराने की मांग की थी। उसको सांसद नकुल राम ने कलेक्टर पर आरोप भी लगाए थे कि वे सहयोग नहीं कर रहे थे, और उसके पूर्व भी नकुलनाथ ने जिस तरीके से कलेक्टर की शिकायत की थी छिंदवाड़ा कलेक्टर की, उनकी सभाएं होती थी चुनाव के दौरान, तो चुनाव की उनकी उनकी सभा करने की अनुमति भी प्रदान की गई थी। यही वजह है कि अब छिंदवाड़ा के जो कांग्रेस उम्मीदवार है नकुलनाथ, उन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर की मुख्य निर्वाचन आयोग को शिकायत की है और कहा है कि 4 जून के पहले इन पर कार्रवाई की जाए, ताकि निष्पक्ष तरीके से मतगणना का कार्य पूरा किया जा सके। अब देखने यही होगा नैन्सी की निर्वाचन आयोग पूरे पत्र को कितनी गंभीरता लेता है और क्या कुछ कार्रवाई छिंदवाड़ा कलेक्टर के ऊपर करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती जरूर हो जाती है ऐसे में, चूंकि मतगणना से पहले अगर इस तरीके के सवाल या आरोप उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं मतगणना की जो प्रक्रिया है जो उस पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं, आरोप की झड़ी उस आयोग पर भी लग जाती है। अब ऐसे में देखने वाली बात जरूर रहेगी कि निर्वाचन आयोग आखिरकार क्या एक्शन लेता है और क्या कार्रवाई की बात करता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।